हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एंड बैक टू वेलकम। आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो सा अभी ब्लॉग कंटिन्यू होने जा रहा है वो 2 दिन पहले का है, और 2 दिन पहले मैं छत पे थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, कि मैंने कभी बताया नहीं कि छत पे क्या है, क्यों है, कैसे है। तो हम छत पे थे, मैं और मेरे कज़न्स, तो हमने सोचा कि ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, तो आप ब्लॉग इंजॉय करें। मैं किसी और की छत पे Let me show you this guy. I just love sitting here. It feels so refreshing, so alive that I can't even explain. तो ये बेसिकली कुछ इस तरह के कि हमारी छत है, ये हमसे पीछे वालों की छत है, ये हमारे साथ वालों की छत है, ये दरमियान में दीवार है जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। और लेट मी शो यू कि मैं बैठी कहाँ पे हुई थी। मैं बैठी हुई थी इस जगह पे, लेट मी शो यू क्लियरली, मैं बैठी हुई थी इस जगह पे। ये हमारी छत, ये दूसरों की छत, ये पीछे वालों की छत, लाइक दिस। इतना यहाँ का फासला है, इतना यहाँ का फासला है और ये दूसरों की छत। नाम जस्ट करना, सिंपली जंप। मैं अपनी छत पे जाने के लिए सिर्फ जंप करूँगी एंड बूम, मैं अपनी छत पे आ गई। 1 2 3 Absolutely love the view from our rooftop, like rooftop नहीं, अपनी छत से, छत को क्या कहते हैं, रूफ ही, मतलब आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इतनी ज़्यादा खुली है, फुल मतलब ताज़ तरीन भरी भी है, और यहाँ से सब जगह का व्यू भी नज़र आता है, मतलब कि फुल ना, मतलब वाइब नहीं होती एक वो वाइब इस छत की। आई जस्ट लव दिस छत सो मच। लाइक सी, ये सारी छत है जो इस तरह आगे को भी जाती है, ये दूसरों की छत है, ये पिछलों की छत है, यहाँ पे ये दूसरे घर हैं। इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। लव दिस बिकॉज कि अब मैं यहाँ से चल के जाऊँगी, और मैं चाहूँ मैं साथ वाले घर भी जा सकती, नो प्रॉब्लम, इज जस्ट फैमिली फ्रेंडली टाइप, फुल सीन ऑन है, वाइब है इसमें, आई जस्ट कांट इवन एक्सप्लेन। लाइक अब मैं चल के जा रही हूँ और मैं जाती हूँ, हम छत के एंड पे आ गए हैं, और लाइक यहाँ से क्यों नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल नहीं है, मोबाइल में चार्जिंग लगा लूँ और फिर मैं छत पे आऊँगी, तो जब चार्जिंग होगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या हो रहा है, सीन वीन क्या है। नीचे आने के लिए इतनी ज़्यादा चीड़ियाँ कह रही हूँ, सीढ़ियाँ उतर के आना पड़ता है, लाइक इतनी ज़्यादा वो ऊपर से आना पड़ता है। A few moments later. Right now I'm so bored. I have zero interest in it. My brain doesn't even working properly. मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मोबाइल के, कुछ भी नहीं है मोबाइल के अंदर।
अभी मैं 7 बजे से लेके 10 बजे तक अपने कजन के साथ क्रिकेट होगी या कुछ और गेम होगी ये सारी खेल रही थी एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल की बिल्कुल भी चार्जिंग थोड़ी, इतना स्लो चार्जिंग हो रहा है मोबाइल। फिलहाल टाइम हो रहा है 11 बज गए और मैंने सो जाना है और सो बोर्ड है। पता नहीं मेरे साथ आज कल दिनों में क्या हो रहा है कि कोई मतलब कोई बात भी ऐसी नहीं है जिस बात पर मैं सैड हूँ, मतलब विदाउट एनी रीजन मैं सैड हो रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई अभी मेरे साथ इस तरह हो रहा है कि मतलब बोलो अजीब हो रहा है, कुछ भी नहीं है करने को इस जिंदगी में। इतने दिनों से मेरे साथ ये हो रहा है कि बिना किसी वजह के मैं सैड हो जाती हूँ। जब फिर मैं सैड होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तो कोई वजह नहीं है सैड होने की, और फिर मैं पागल कोई ड्रामे के एपिसोड देखने लग जाती हूँ सैड सीन जिसकी वजह से मुझे रोना आ जाता है। तो मेरे पास की वजह तो होती नहीं, मतलब कि रोना आ नहीं रहा तो फिर मैंने ड्रामा देखना, तो ये भी नहीं तुर्की ड्रामा है उसके एपिसोड 33 देख लेनी मैंने, वो बहुत रुलाती है मुझे वो एपिसोड, वो मैंने एपिसोड लाइक लिटरली मुझे वो बहुत अच्छे से याद है, पर फिर भी मैं देखूंगी मुझे फिर भी रोना आएगा। ये सीन हो रहा है मैं पागल हो गई। आई फील लाइक टॉकिंग टू समवन, बट जब भी मैं किसी से बात करती हूँ या तो मेरी इसके साथ लड़ाई हो जाती है, या अगर मुझे वो कोई बात बता रहा हो तो मैं उसकी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं होती। ये हो रहा है मेरे साथ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी से बात करूँ, पर जब मैं किसी से बात करती हूँ या तो उसके साथ मेरी लड़ाई हो जाती है या तो मैं उसकी बातों में ज़ीरो इंटरेस्टेड होती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब, मैं बता नहीं सकता, आई कांट इवन एक्सप्लेन। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा व्लॉग था ये बताने के लिए कि मैं एक्टिव हूँ, तो मैं व्लॉग्स वगैरह अपलोड करती रहूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। 2000 years later. Okay, so guys, तो बहुत गर्मी है, मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करना चाहती हूँ। ये अगला दिन है बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम छत से खेल के नीचे गए, फिर नीचे भी हमने काफ़ी ज़्यादा खेला जिसका मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि नीचे क्या ही बनाना था, ना कुछ इतनी खास लाइट थी, लाइटिंग थी कि अच्छा सा व्लॉग बन पाए। और अगर आपको इस तरह के अमेजिंग से मज़ेदार से व्लॉग चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।